अब जैसे हमने उस दिन ये जब वेब सर्विस चेक कर रहे थे तो उसमें हमने ये चीज नोटिस की थी कि वेब सर्विस रन होनी चाहिए। अगर लोकल हॉस्पिटल से काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली वेब सर्विस आपकी रन होनी चाहिए ब्राउजर के अंदर, तभी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही है, यस सर, अल्टरनेट वे में कि वो वेबसाइट कहना कि पब्लिश होनी चाहिए ताकि हम उसको कंज्यूम कर सकें। अब मोबाइल बिल्कुल एप्लीकेशन के केस में मोबाइल एक सेपरेट डिवाइस है, लैपटॉप एक सेपरेट डिवाइस है। अब जो मोबाइल पे जब एप्लीकेशन रन होगी वो अब उस लैपटॉप का लोकल होस्ट नहीं उठा सकती, तो उसको कोई आईपी चाहिए और आईपी पे वो वेब सर्विस पड़ी हुई चाहिए। ठीक है, ओके, यानी कि लोकल होस्ट पे भी चेक नहीं हो सकती हो। हाँ, ताकि वो लैपटॉप पे लोकल होस्ट तो लैपटॉप क्या ना, और मोबाइल एक बिल्कुल सही हो सेपरेट गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए अब हम उसको, मैंने एक टेस्ट जो वेब सर्विस है जो ये हेलो वर्ल्ड का मेथड, ठीक है ये वेब सर्विस मैंने अपलोड की हुई है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर सही देता है, हूँ। ठीक है। ठीक है, ये वेब सर्विस मैंने अपलोड की हुई है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड का मेथड है उसमें। ठीक है, टेस्ट सर्विस डॉट ASMX। तो इसको अपलोड करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके पास होस्टिंग है तो आपने जी जो ये टेस्ट सर्विस डॉट ASMX फाइल है प्लस ये जो आपकी बिन फाइल होती है, अगर इस पर आप जाओ जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो आपकी सर्विस बनी हुई है, हमने सर्विस बनाई थी इसमें, तो इसको आप ओपन करते हो फोल्डर, ये फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ बिन के फोल्डर में ये जो air.dll फाइल है ना, ये प्लस वो ASMX फाइल, ये दोनों आप अपलोड कर देते हो, बस उनको एक्सेस सही, होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं इसी सर्विस को, ठीक है, अब अज्यूम हम कह रहे हैं ये सर्विस कहीं लाइव रन हो रही है, इसी सर्विस को हम लोग तो कंज्यूम करके इसका मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है सर, सही। और अगर इसी को फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में करना चाह रहा हूँ, जो हमारी वीवी वाली थी जो हमने उस दिन हमने प्रैक्टिस किया था, इसके अंदर सर्विस को कंज्यूम करके इसी में मैं अगर यूज़ करना चाहूँ, राइट क्लिक ऐड, तो वो तो लोकल होस्ट की थी, ये हम कह लेते हैं जो हमारी लाइव चल रही है, ऐड सर्विस रेफरेंस, उसी बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं। ठीक है, यूआरएल के साथ पेस्ट किया, वो ये उसको सर्विस मिल गई। ठीक है, ट्रस्ट सर्विस के नाम से उसको सर्विस रेफरेंस 2 का नाम दे दिया, वो 1 थी, ओके कर दिया। अब ये सर्विस रेफरेंस 2 जो है ये एक और रेफरेंस ऐड हो गया बीबी वाले प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं उसको कंज्यूम कर रहा था पेज लोड जी अब पे, यहाँ पर इम्पोर्ट्स कर देंगे आप वो सर्विस टू। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही वो एक्चुअली बार में पोस्ट इस तरह वीपी भी नहीं आ रहा था, तो हम ये यहाँ पे इसी का मैं एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करूँ सर्विस टू का, और यहाँ पे आ जाएगा वेब सर्विस, ठीक है, टेस्ट सर्विस सॉफ्ट क्लाइंट, ठीक है, कोई भी इसमें कोई ऐसे चेंज नहीं खास आई जो हमने लोकल होस्ट वाले केस में किया था। और यहाँ पे स्ट्रिंग सॉरी नेम रिजल्ट एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू ओबीजे, ऑब्जेक्ट, ओबीजे बल्कि 2 हो गया, इसको ओबीजे 2 कर देते हैं, 2 डॉट हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड, सही, ये आपका मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक सही है सर। है, बिल्कुल कुछ सिंपल सा उसी तरह लोकल होस्ट में हमने उसके ब्राउजर में ओपन करके रखा हुआ था यूआरएल को, ये हमारा ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है, बेशक ब्राउजर बंद है जो मर्जी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब चल रहा है वो साइट लाइव होनी चाहिए। सर किसी भी पॉइंट पे अगर हमने कोई सर्विस ना यूज करें तो वहां पर उसको डिलीट कर दें या उसको राइट क्लिक करके नॉट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट कर दें। अगर तो आप बिल्कुल ही समझ रहे उसको मैंने यूज ही नहीं करना, बिल्कुल यूजलेस हो गया, तो आप ठीक उसको है सर, रिमूव करो बेहतर है, ताकि वाला उसके स्पेस कंज्यूम कर रहा है। और अगर आप उसको समझते हो मैं मे भी अगले किसी प्रोजेक्ट में यूज कर टेम्प्रेरी तौर सकते, पे। हाँ, तो फिर आप डिस्क्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, हो गया, ओके। अब हम इसको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज कर लेते हैं, कि मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है,
सिंपल दूसरा न्यू प्रोजेक्ट करके मैंने मोबाइल एंड्रॉयड सेलेक्ट किया और एग्जामिन एंड्रॉयड, और देन ये हमारा डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब अगर इसमें हमने सर्विस यूज़ करनी है तो वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं रिसोर्सेज लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट, ठीक है, एक्टिविटी इंडस्ट्री मेन डॉट एग्जाम्पल में गया, अभी ये इसका एड्रेस लोड होगा। वहाँ पे फिलहाल मैं एक लेबल डाल देता हूँ, एक बटन डाल देता हूँ, जैसे बटन क्लिक हो किसी सर्विस से ये हेलो वर्ड का मैसेज पिक करें और वहाँ पे शो कर दे, उसमें आप देखेंगे कि मतलब कितनी चेंज आती है यार। तो अगर एक सर्विस आपको वेब एप्लीकेशन में बनाना आती है तो आप इट मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन में बनाना आपको आती है, वो भी देख लेते हैं। सर ये वेब सर्विस मोबाइल वाली बहुत टाइम लेती है, ये फर्स्ट टाइम लोड होने में, मतलब मेरे पास भी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, अगर मैं इसको बना रहा था ना तो बहुत ही टाइम लेना शुरू कर देता हूँ उसमें। रैम कितनी है आपके सिस्टम की? 8 GB। इतनी करना चाहिए इसमें, मेरी भी जी सर। और वो हार्ड डिस्क भी SSD वगैरह करा ली थी, बहुत टाइम लिया था उसमें। अच्छा, नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अभी सर ये फर्स्ट टाइम लोड में टाइम दिया, अब इससे ऑनवर्ड जो है वो अगर बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना, टेक्स्ट व्यू में क्या ऐड कर लेता हूँ, जब कि हमने यार रिलेटिव लेआउट को लीनियर करना है। ओरिएंटेशन अब एक बटन ऐड कर लेते हैं, एक बटन हो गया, एक टेक्स्ट हो गया, सेव। यहाँ पे आगे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों का एक हमारा टेक्स्ट व्यू है, एक बटन है टेक्स्ट व्यू txt result बटन btn result सेट कंटेंट लेआउट के बाद इनको इनिशियलाइज करेंगे। txt result is equal to Client viewed by ID text view resource dot ID dot text view 1 btn result is equal to client viewed by ID button source dot id dot button 1 button के क्लिक पे हमने डाटा शो करना है, बटन btn result dot click plus is equal to app, ये इवेंट बन गया। अब यहाँ पे हमने सर्विस कंज्यूम करनी है, ये तो सिंपल वो स्टेप जिस तरह हम नॉर्मल किया करते थे। आप जो सर्विस ऐड करनी है, हम लोग क्या कर रहे थे, राइट क्लिक ऐड, ठीक है, वेब रेफरेंस क्लिक किया, वो हेलो वर्ड का यहाँ से मैं वो यूआरएल दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है। वहाँ भी ऐसे करते थे, जस्ट थोड़ा सा इसका लेआउट उससे डिफरेंट है, बाकी सिमिलर चीज़ें, यूआरएल पूछ रहा है, फिर मैंने ये क्लिक किया तो उसने इसको फाइंड आउट कर लिया,
यहाँ पे उसका रेफरेंस इस तरह दे रहा है ये, ठीक है, नाम का आप उसका रेफरेंस नाम चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद ऐड रेफरेंस पे जब क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस ऐड हो गया। अब इसको अगर हम लोग यूज करें यूजिंग किस नाम से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक हो गया। सिंपल उसकी क्लास का जो टेस्ट सर्विस डॉट एएसएमएक्स जो थी वो सर्विस का नाम था, उसी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने उसका मेथड कॉल किया, उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है इसमें उसमें। अब इसमें सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, अगर वहां से आपकी एरे पूरी लिस्ट जो है रिटर्न हो रही है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, या स्टूडेंट जो है वो एक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन कर रही है, अब वो जैसे वो लॉग इन कर रहे हैं जितने वो कोर्सेज ऑफर कर रही है उसकी लिस्ट शो करना चाह रहे हैं। तो वेब सर्विस में मेथड बना होगा कि जो इंस्टीट्यूट लॉग इन करेगा यूजर ने पासवर्ड की बेस पर लॉग इन करेगा, तो वो जो अगर मेथड होगा गेट कोर्सेज लिस्ट, उसमें पैरामीटर जाएगा इंस्टीट्यूट का आईडी, वो कुछ सर्विस आपकी आईडी की बेस पे उसके जितने कोर्सेज हैं वो एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगी। यहाँ पर उस लिस्ट को कैच करोगे और उस लिस्ट को अपने किसी जिस भी लेआउट में है वहाँ पे उसका रिकॉर्ड शो कर दोगे। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन वेब सर्विस में मोबाइल एप्लीकेशन में कंज्यूम करने के लिए Not exactly. बस प्रैक्टिस शायद करें तो फिर क्लियर हो जाएगा मजीद थोड़ा बहुत। बिल्कुल सिंपल, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी बनाई है, राइट क्लिक करके वेब रेफरेंस ऐड किया है, और ये सिंपल जो दो आपने एक टेक्स्ट बटन और एक टेक्स्ट भी बनाया, उनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनिशियलाइज करके क्लिक इवेंट के अंदर सर्विस को ऑब्जेक्ट बना के उसको आपने कॉल कर लिया मेथड को, बस इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सही। अच्छा, अब मतलब सर्विस तो सिंपल है, मतलब इसमें मैक्सिमम आपको पहले जो जिक्र किया था ना कि अगर आपको इसको डॉनेट के अंदर 90% मतलब आपको डॉनेट आती है तो मीन्स कि आपको 95% बाकी दूसरा टूट भी आता है। ये उसी तरह है कि वेब सर्विस नाम नहीं, हमें जब कोई भी खास चेंज नहीं है, वही हमें चीज इसमें यूज़ कर ली। अच्छा, अब अगला जो टास्क आप लोगों का होना है वो ये है कि हमें जो पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ वो आपने नोट पैड पर लिखा होगा, आपने मतलब यस नो में बताते भी जाना है कि हाँ ये आप चीज़ें कर चुके हो या नहीं, ताकि फिर हम उसी के हिसाब से देखें कि मोबाइल हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसका कितना पार्ट रह चुका है और आगे हमने करना क्या है। अच्छा, अभी जो हमारी वेब एप्लीकेशन है जो जिस पर आप लोग काम कर रहे हो उसमें इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, ऐसे जी जी सर। अच्छा, अब उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है कोर्स रजिस्टर कर रही है वो अपने अपने जितने जो कोर्सेज ऑफर होते हैं कर रही है वो, ठीक हो गया, इसमें भी मतलब प्रॉपरली चल रहा है ना? जी, पर कोर्स रजिस्टर हो रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट जो है वो अपने आप को एनरोल कर रहा है इस पे कि नहीं कर रहा है, अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, वो वाला काम हो रहा है कि नहीं? कर रहे सर, स्टूडेंट वाला भी हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कोर्सेज सर्च का भी पेज बना हुआ है कि नहीं, जिसमें स्टूडेंट आके कोर्स को सर्च कर सके इंस्टीट्यूट वाइज? आई गेस ये नहीं बना। ठीक है, या कोर्स वाइज उसके पास ऑप्शन हो कि वो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करके कोर्स, जैसे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें वो इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो ड्रॉप डाउन में नजर आ जाए। सर, हम लोगों ने आई गेस ये स्टूडेंट एनरोलमेंट के अंदर ही ये दो ड्रॉप डाउन इस तरह डिजाइन हो चुके हुए थे। वो तो है ना कि वो किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करके किस कोर्स में रजिस्टर हो रहा है, ये तो वो चीज होगी ना?
जी, यानी कि ये वाला इंस्टीट्यूट जब वो चूज करता था तो उससे रेलेवेंट जो कोर्स है ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही कोर्सेज नजर आते थे। अब उसी चीज को हमने जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करना है कि एक सर्च का पेज देना है कि अभी स्टूडेंट एनरोल नहीं हो रहा, वो जब सिंपली आके सर्च करना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल सिंपली सेलेक्ट करता है ये एबीसी से जुड़ा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे वो एबीसी से सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेगा उसके सारे कोर्सेज नीचे व्यू में नजर आ जाएंगे। ठीक। और अगर वो सिंपली ड्रॉप डाउन से कोर्स सिलेक्ट करता है कि वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, अब जितने इंस्टीट्यूट वेब डेवलपमेंट ऑफर करते हैं सबके नाम नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है। यानी अब आप वही जो ड्रॉप डाउन हैं वो जो इंस्टीट्यूट की बेस पे कोर्सेज और ड्रॉप डाउन लोड होती है उसको वहां से निकाल के एक नए फॉर्म पे लेके आएंगे, लेकिन उस फॉर्म पे कोर्सेज के ड्रॉप डाउन के अंदर तमाम कोर्सेज नजर आ रहे होंगे, इंस्टीट्यूट के अंदर तमाम इंस्टीट्यूट नजर आ रहे होंगे। जैसे हम इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें तो नीचे तमाम कोर्सेज शो हो जाए, और अगर इंस्टीट्यूट के साथ हम कोर्स सेलेक्ट करें वो स्पेसिफिक कोर्स शो हो जाए, और अगर हम खाली कोर्सेज कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो वो कोर्स जितने इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं वो सब शो हो जाने चाहिए इंस्टीट्यूट भी नीचे। पॉइंट क्लियर हो गया? सही सही। यानी जस्ट उसी उन्हीं फॉर्म को हमें जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए रीयूज करना है, नहीं इसमें एक्स्ट्रा चीज कोई भी नहीं है। सही। ठीक है। जैसे हमने वो बनाया था ना कि एक इंस्टीट्यूट जितने कोर्सेज ऑफर कर रही है तो इंस्टीट्यूट जब लॉग इन करिए तो कोर्सेज का एक व्यू हमने बना दिया था जिसमें एक कोर्स है, दो कोर्स है, तीन है, वो सारे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। वो वाला व्यू का पोर्शन वहां से उठेगा, और प्लस जैसे स्टूडेंट एनरोल हो रहा है तो जैसे इंस्टीट्यूट और कोर्स की ड्रॉप डाउन आती है वो वाला पोर्शन वहां से पिक होगा, ये दोनों पोर्शन वहां से पिक होकर नए फॉर्म पे मर्ज होके वहां पे ये शो करोगे आप, देन थोड़ी सी लॉजिक चेंज कर दोगे। सही। पॉइंट क्लियर है जी। ठीक है। लॉजिक भी क्लियर होगी ना कि किस तरह से वो मतलब नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, उन दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक जगह शो करना। ठीक है। हमारी आपको भी समझ आ गई? हेलो मारिया, ठीक है, हमारे शायद आवाज नहीं आई। अच्छा तो ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है बस इस पर आपने वर्किंग करनी है तो कोशिश इसमें मैक्सिमम ये तकरीबन आपको मतलब एक घंटे का राउंड रोड का काम है, तो कोशिश करें कि आज हो जाए ताकि सुबह फिर हम उससे अगले वाला टास्क इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर। सही। ठीक हो गया। तो फिर मैं एक और भी ट्राई करता हूँ कि अगर मैं कोई एक मतलब होस्टिंग का कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लूँ तो आप लोगों को उसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे दूँ ताकि आप लोग अपनी अपनी ये चीज़ है इसको उस पर अपलोड करते रहें, ताकि आप लोगों को डिप्लॉयमेंट का आइडिया भी होता रहेगा, प्लस आप उसको व्यू करके भी देख सकते हो। मैं भी देख देख के उसमें पॉइंट्स बताता रहूँ कि अच्छा ये इसको ये मॉडिफाई कर लो, इस तरह कर लो, वो मैं ट्राई करता हूँ होस्टिंग कोई अरेंज कर लो मैं। ओके। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन मेरी अभी की या कोई पुरानी? नहीं सर, मेरी तरफ से तो नहीं। हाँ चल ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह इसको कल मतलब उम्मीद करता हूँ कि चल आप लोग इसको ना कम्प्लीट कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा सर एक क्वेश्चन है कि हम ये थोड़ा बहुत वो जो है ASP.NET Core उसको भी देखेंगे जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली MVC की ऑप्शन भी आती है और वो खुद ही राउट शॉर्ट क्रिएट कर देता है। MVC भी काम करेंगे हम लोग, ASP.NET Core भी करेंगे। आप देखो कि बहुत आसान सा छोटे छोटे लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसमें तो आई गेस सब सिर्फ फॉर्मेट ही देखना होगा बस, बाकी चीजें तो आई गेस यही होंगी क्लासेस। बस वही कोर भी करेंगे हम लोग, इस पर भी काम करेंगे। उसके अलावा हम मे बी जो हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एप्लेटर वगैरह उसमें होता है iOS की एप्लीकेशन जो बनाएंगे उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती कि आईफोन हमें लाजमी चाहिए, या वो जैसे मैंने बात की थी कि हमें मैकबुक चाहिए तभी हम मैकबुक चाहिए। सही। वो एप्लेटर वगैरह होता है उस सिंपली किसी भी उस पर डिप्लाई हो जाते हैं, हम उस पर भी काम कर लेंगे ताकि आपको जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह आपको हाउ ना हो जाए बाकी प्रैक्टिस के साथ आप लोग ग्रुप पर करते रहते हैं। जरूर जरूर। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।